सब्सक्राइब करिए चैनल प्रियल चेटिया को, बेल बटन दबाइए और उसमें जो ऑल ऑप्शन आता है उसे प्रेस करिए ताकि मैं जो भी ऐसे अच्छे नए वीडियो लाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो क्यूटीज, आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली दो टिप्स। फर्स्ट टिप, क्या हमें यूज करना चाहिए ऐसा इंटरनली जो हमें कंज्यूम करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे हेयर ग्रोथ अच्छी हो सके, हेयर फॉल कंट्रोल हो सके और हमारे बाल लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हो सके। और सेकेंड टिप है वो होममेड हेयर मास्क जिसे हमें हफ्ते में दो बार यूज करना है। मैं आज कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे बाल इतने ज्यादा लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग है और मेरा पहले जो बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था वो भी इन टिप्स को यूज करने की वजह से बहुत हद तक कम हो चुका है। सो गाइस, मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ओजीवा हेयर विटामिन्स जो मैंने पर्सनली यूज किया और जिसकी वजह से मेरा हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। मेरी हेयर लाइन भी सच में पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। जो मेरे हेयर फॉल था वो बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका है इसको यूज करने से। फ्रेंड्स, इसके अंदर है विटामिन्स ओमेगा 3 और डीएचटी ब्लॉकर जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हमारे बालों के अंदर से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और हेयर फॉल को भी कंट्रोल करते हैं। इसमें ए, सी, विटामिन ई, बहुत सारे न्यूट्रिशन है जो हमारे बालों को हेयर ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं, जो हमारी ड्राई फ्लेकी स्कैल्प होती है ना उसको भी प्रिवेंट करते हैं और हमारे जो ये हेयर फॉल साइज होते हैं उसको बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो सके। इस ओजीवा हेयर विटामिन कैप्सूल्स को कोई भी 18+ मेल और फीमेल दोनों इसे कंज्यूम कर सकते हैं और इसे आपको कंज्यूम करना है आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ लंच एंड डिनर। गाइस, ये सच में बहुत ही इफेक्टिव हेयर विटामिन है जो हमारी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करता है और हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। स्टेप नंबर 2 है होममेड हेयर मास्क। हेयर मास्क को बनाने के लिए हमें चाहिएगा 2 कप योगर्ट यानी कि दही, 4 टीस्पून फेन्युग्रिक पाउडर यानी कि मेथी दाना पाउडर और 2 टीस्पून आंवला पाउडर यानी कि गूसबेरी पाउडर। अब हम इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हमें 2 से 3 मिनट तक इसे मिक्स करते रहना है ताकि इसके अंदर कोई भी लंप ना रहे और हम इसे अच्छे से अपने बालों में अप्लाई कर सकें। मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा गाइस। हम इस हेयर मास्क को अपने पूरे हेयर लेंथ और हेयर स्केल पर अप्लाई कर लेंगे। फ्रेंड्स, सबको पता है मैंने इसमें मेथी दाना पाउडर क्यों डाला है, क्योंकि मेथी दाना पाउडर में हाई निकोटिक कंटेंट होता है जो हमारे हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जो स्मॉल इश्यूज़ होते हैं ना बालों के, जैसे हेयर थिनिंग, बॉलनेस, उन सबको ये प्रिवेंट करता है और हमारे बालों को बहुत अच्छा कर देता है। उसके बाद में हम अपने बालों में ये शावर कैप लगा लेंगे और 1 घंटे बाद हम अपने बाल को धो देंगे विथ शैम्पू। गाइज, यू कैन सी द रिजल्ट। मैं 2 महीनों से इन चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ और मेरे बाल कितने ज़्यादा घने हो गए हैं बिकॉज ऑफ ओजीवा हेयर विटामिन एंड दिस होम मेड हेयर मास्क। क्यूटीज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या ही कर रहे हो यार, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाओ ताकि मैं जो भी ऐसा अच्छा नया वीडियो लाऊं ना सबसे पहले आप तक पहुंच सके।